आखिर कौन है विष्णु देसाई? आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुना गया है, जिसकी वजह से हर जगह अब उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक छोटे से गाँव बगिया में हुआ। वही किसान से राजनेता बने विष्णुदेव साय रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णुदेव साय ने पंच से सरपंच, सरपंच से विधायक और फिर विधायक से सांसद तक का लंबा सफर तय किया। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 से पंच के रूप में की थी। विष्णुदेव साय वर्तमान में कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि 1999 से 2019 तक विष्णुदेव साय रायगढ़ से सांसद रहे, जबकि राज्य के पहले कार्यकाल में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया था और वे 2014 से 2016 तक केंद्र में मंत्री रहे। वहीं बात करें आदिवासी मुख्यमंत्री की, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और विष्णुदेव साय भी इसी समुदाय से हैं। वहीं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम बनाए गए, जिसकी शपथ वह साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को लेंगे। विष्णुदेव साय अपने विनम्र स्वभाव के कारण जाने जाते हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का करीबी माना जाता है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी विष्णुदेव साय को लेकर एक बात कही थी कि विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। एक अनुभवी नेता को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने लाई है, आप इनको विधायक बना दो, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें सर्वे टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।